जय हिंद दोस्तों, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ। मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर पल एक कतरा इनकलाम लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बची है एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, 26 अक्टूबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए मंडी के अमित कुमार को पत्नी ने सुहागिन के जोड़े में अश्वपूर्ण विदाई दी। 23 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में नायक अमित कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे। जैसे उनके बलिदान होने की खबर उनके पैतृक गांव में पहुंची तो समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने जगह जगह चौराहों पर हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर अमर रहे वीर बलिदानी अमर रहे के नारे लगाए। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव की गलियों से गुजरा तो लोगों ने वीर जवान के शव पर पुष्प वर्षा की। जैसे ही वीर बलिदानी अमित कुमार का शव उनके घर के आंगन में पहुंचा तो पत्नी ने दुल्हन का जोड़ा पहनकर वीर जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। यह भावपूर्ण दृश्य देखकर हर कोई रो पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए मंडी के जोगिंद्र नगर के भटवाड़ा गांव के नायक अमित कुमार का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। नायक अमित कुमार की 9 महीने पहले शादी हुई थी। शहीद की पत्नी अपना करवा चौथ का पहला व्रत भी नहीं मना पाई। दुल्हन के लिबास में शहीद की पत्नी प्रीति ने पति को अंतिम विदाई दी। करवा चौथ से एक दिन पहले 23 अक्टूबर 2021 को अमित कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे। तिरंगे में लिपटी शहीद की पार्थिव देह मंगलवार सुबह 9 बजे सैन्य वाहन से भटवाड़ा पहुंची तो माता भावना देवी, पिता मंगतराम, पत्नी प्रीति के साथ पूरा गांव और पूरा जिला रो पड़ा। भटवाड़ा गांव के नायक अमित कुमार मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। सुबह करीब 9 बजे सेना के फूलों से सजे विशेष वाहन में तिरंगे से लिपटी शहीद की पार्थिव देह बदेहंड पंचायत के भटवाड़ा गांव पहुंची तो मां भावना देवी और पिता मंगत राम और पत्नी प्रीति के साथ लोगों की आंखें नम हो गई। 10 बजे शहीद की अंतिम यात्रा शुरू हुई। 11 बजे अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा करते हुए बंदेहट पंचायत में स्थित शमशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। यह नजारा देखकर हर कोई फूट फूट कर रो पड़ा। जानकारी के मुताबिक अमित कुमार 13 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। 23 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दौरान सड़क हादसे में वह वीरगति को प्राप्त हुए थे। नायक अमित कुमार की 9 महीने पहले शादी हुई थी। इस दौरान विधायक, एसडीएम और कई गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर जवान को अंतिम विदाई दी। नायक अमित कुमार की अंतिम रस्म के दौरान शहीद अमित कुमार अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। वीर जवान के सम्मान में पूरा बाजार बंद रहा। लोगों ने नम आंखों के बीच, गगनभेदी नारों के बीच वीर बलिदानी अमित कुमार का पूरे सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, वीर बलिदानी अमित कुमार जी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार ही नहीं पूरा देश भी रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, जमाने भर में मिलते हैं आसे कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई शनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ। मेरी नन्ही सी चिड़िया को
चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना, ए भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों को सत सत नमन। अगर आप भी भारतीय सेना से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।